फूर मियां टेंशन। हम लोग का इंतजाम तो पक्का है। कैसा इंतजाम? अपने बचाव का इंतजाम, पूरी तैयारी, एकदम अलर्ट। मैं को संदल जी छत पर अपने ईट रोड़े फूटी बोतले पत्थर सब इकट्ठे हैं। क्यों जी? कोई हमें ईट मारे तो हम पत्थर से जवाब देंगे। मोहल्ला ठीक नहीं है साहब, पड़ोसी के घर से कोई चढ़ाया तो। आदा, ये सब किसी कहने पर किया गया है? जी बेगम साहिबा को ऑर्डर था। ये सुखी अम्मी तुमने? सबने कहा इसलिए मैंने भी कह दिया। सबने कहा? किस सबने? यासीर और हरीश ने। हरीश? हरीश ये वही तुम्हारा दोस्त वही ना? यासीन वो आदमी मुझे ठीक नहीं लगता है, बिल्कुल ठीक नहीं लगता है। पर येसु की अम्मी, यासीन तो 20 साल बाहर रहा है, वहां की प्रोपेगेंडा का कुछ उस पर असर होगा। तो ऐसे हालात में उसका बर्ताव समझ में आता है, जो मैं किसी हद तक माफ भी कर सकता हूँ। लेकिन तुमको क्या हो गया? सबने कहा इसलिए। सबने कहा? तुम्हारे खुद का दिमाग नहीं है? रघुवर मियां जाइए किशनलाल को बुला कर लाइए फौरन। सबने कहा, सब कहेंगे तो मैं खुद पढ़ूंगी। चट्टान एहतियात बरतने में कोई बुराई नहीं है? जी है बुराई। सिर्फ एहतियात में? जी हाँ बुराई है। जब आप एहतियात बरतते हैं तो आप अपने हम वतन से, अपने भाई से, अपने पड़ोसी से खतरा महसूस करते हैं और बस उसी वक्त आप दोनों के बीच में एक दरार पड़ जाती है और फिर वो फासला बढ़ता ही चला जाएगा। वो भी अपने एहतियात में हथियार इकट्ठा करेगा, दोनों ओर हथियारों की होड़ लग जाएगी। तुम लोग जानते हो सबका खात्मा किसमें होगा? किसमें? इसी तरह के दंगों में, एक दूसरे को छुरा मारकर, एक दूसरे का गला काटकर। चार पांच पुश्तों से हम लोग इस मोहल्ले में हैं, हमने आज तक एहतियात नहीं बरती। लेकिन बेगम आज क्या हो गया तुम्हें? गलती मेरी। यासीन इधर आओ। तुमने अपनी गलती महसूस की, मुझे इस बात की खुशी। ये देखो ये है अनवर का बेटा, अनवर का खून। मैं दिली दिल में जानती थी कि आप पसंद नहीं करेंगे, लेकिन सबकी बातों में आ गई। बेगम जब हम लोग बीमार पड़ते हैं तो अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास जाते हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान। जब हम लोग मुकदमा लड़ते हैं तो अच्छे से अच्छे वकील को खोजते हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान। जब हम लोग अपनी मोटर बनवाते हैं तब भी अच्छे से अच्छे मैकेनिक के पास जाते हैं, तब तो हम लोग मजा नहीं देखते। लेकिन जब अपने मतलब की बात होती है तो हम लोग हिंदू मुसलमान के नारे लगाते हैं, शिया और सुन्नी का फर्क देखा जाता है, हम लोग ब्राह्मण और ठाकुर बन जाते हैं। किस लिए? मैं बताता हूं किस लिए। इस आवाम को बेवकूफ बनाकर अपना उल्लू सीधा करने के लिए। लेकिन ये बात भूल जाते हैं कि खुदा की निगाह में कितना बड़ा गुनाह कर रहे हैं, कुफ्र बांट रहे हैं, कुफ्र। डॉक्टर भाई आप कब आए? बस अभी आया। गफूर मियां ने कहा फौरन बुलाया, बस में जैसा था वैसा ही भागा चला है। सब खैरियत तो है? हाँ सब खैरियत है। यहाँ तो बड़ा झगड़ा चल रहा है। किशनलाल हम लोगों को तुमसे खतरा हो गया है। क्या कहा डॉक्टर भाई? मुझे नहीं, तुम्हारी भाभी को। क्यों? मैंने तो कुछ नहीं किया। तुमने कुछ नहीं किया किशनलाल, लेकिन फिर भी तुमसे खतरा हो गया है। मेरी गैर हाजिरी में छत पर ही रोड़े पत्थर जमा किए गए। बोलो तुम्हारी भाभी को क्या सजा दी जाए? माफ कर दीजिए मुझे, माफ कर दीजिए डॉक्टर भाई। तुमको क्या हुआ? डॉक्टर भाई मुझे भी माफ कर दो, मुझे माफ कर दो डॉक्टर भाई, मैंने भी अपनी जात पर ही पत्थर रोने का। कैसा जमाना आ गया है।